इम्पल्सिव फोर्स या फिर इम्पल्सिव टॉर्क, या फिर ये ज़्यादा बेटर है इम्पल्स या एंगुलर इम्पल्स। देखो एक बात तो पक्की है, एक बात पक्की है कि अगर हम बात करें थोड़ा लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन की, जो काम फोर्स करता था वो काम एंगुलर फोर्स करता है, जिसको क्या बोलते हैं टॉर्क। तो फोर्स की जगह एंगुलर फोर्सेस टॉर्क, लीनियर मोमेंटम पी की जगह एंगुलर मोमेंटम एल, इम्पल्स का सिंबल हमने आई यूज किया था पर रोटेशनल मोशन में हर जगह जे यूज करता है, तो इम्पल्स जे वेक्टर है, इम्पल्स की जगह क्या आएगा एंगुलर इम्पल्स, ये नई टर्म आ गई। अब अगर मैं ये पूछूं कि तुमने टॉर्क कैसे जनरेट किया था, टॉर्क क्या होता है, तुम बोलोगे आर इंटू एफ। मैं पूछूं एल वेक्टर कैसे जनरेट हुआ, तुम बोलोगे आर इंटू पी। मैं पूछूंगा एंगुलर इम्पल्स कैसे जनरेट हुआ, अब तुम बोलोगे आर इंटू इम्पल्स जे वेक्टर। एक नया फॉर्मूला बन गया। अब मैं प्रूव वैसे नहीं करवाऊंगा रिजिड बॉडी के साथ, वो तो कर लिया। अब मैं सीधी बात करूंगा कि ये तीन टर्म्स इकट्ठी चलती हैं, तीन टर्म्स इकट्ठी चलती हैं। पहली टर्म जो है वो टॉर्क वेक्टर है, जो कि आर क्रॉस एफ है, आर क्रॉस एफ है, ये पहली टर्म है। दूसरी आर क्रॉस पी है और तीसरी आर क्रॉस जे है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो हमने इम्पल्स तो किया लेकिन हमने एंगुलर इम्पल्स में किया, बस ये आखिरी टॉपिक हमारा पेंडिंग था, ठीक है? तो इसलिए अगर आप देखो इस टॉपिक का नाम एंगुलर इम्पल्स। लॉज ऑफ मोशन में वापस चलते हैं। इम्पल्स क्या होता था, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, सही है? अब आ जाओ एंगुलर इम्पल्स, और इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू टाइम, और सिंबल इसमें क्या लिखना है, जे वेक्टर। अब आ जाओ एंगुलर इम्पल्स, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और जहां एम वन वी वन है वहां आई इन टू ओमेगा। तो मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम ये था, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ये रहा। क्लियर है यहां तक? तो एंगुलर इम्पल्स क्या है, टॉर्क इनटू टाइम। वो कैसे, एंगुलर इम्पल्स का ये भी फॉर्मूला है, कैसे, फोर्स की जगह टॉर्क, टाइम की जगह टाइम, तो ये क्या आ गया, एंगुलर इम्पल्स। तो एंगुलर इम्पल्स निकालने के तरीके देखो क्या है। एंगुलर इम्पल्स निकालने का पहला तरीका आर क्रॉस जे, आर क्रॉस जे एंगुलर इम्पल्स है। दूसरा तरीका फोर्स इंटू टाइम की जगह टॉर्क इंटू टाइम, दो। तीसरा तरीका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तीन तरीके हैं टू कैलकुलेट एंगुलर इम्पल्स। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, तो सिंबल या रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दी। अगर मैं बात करता हूं टॉर्क की, तो टॉर्क या एंगुलर फोर्स की तो टाउ वेक्टर है। मैं बात करता हूं एंगुलर मोमेंटम की तो एल वेक्टर है। मैं बात करता हूं इम्पल्स की तो जे वेक्टर है, और अगर मैं बात करता हूं एंगुलर इम्पल्स की तो आर क्रॉस जे है, राइट? अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आना है, ये आना है, बहुत आना है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा आना है आपको। हर कंपटीशन में हर जगह ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, और होता है एनसीईआरटी में, आए बड़ी बात नहीं है, कोई एंगुलर इम्पल्स तो पूछ ही सकता है, पर लेकिन कॉम्पिटिशन के अंदर तो आपको दूर से ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें जे गिवन होगा। कभी स्फेयर के ऊपर जे वेक्टर है, कभी रॉड के ऊपर जे वेक्टर, कॉन्सेप्ट एक ही है। जब भी किसी भी रॉड पे एफ वेक्टर लगता है तो आर क्रॉस एफ टॉर्क का क्वेश्चन है। जब भी किसी भी क्वेश्चन पे एम वी वेक्टर लगता है, एम वी इंटू आर एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है। और जब किसी क्वेश्चन पे जे लगेगा तो आर इंटू जे एंगुलर इम्पल्स की प्रॉब्लम है। तो कैसे, एक रॉड टेबल पे पड़ी हुई है, रॉड पे आपने इम्पल्स दिया जे वेक्टर, ठीक है, एम जे वेक्टर। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स लगाई इसका मतलब टाइम के लिए, तो इम्पल्स दिया। और ये इसका एक्सिस टू ऑफ रोटेशन है डी डिस्टेंस पे, तो रॉड टेबल पे पड़ी थी, घूमी भी और ट्रांसलेट भी हो गई, रोटेट भी हुई ट्रांसलेट भी हो गई। दो चीज़ें बतानी है, पहली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, क्योंकि रॉड घूम घूम के आगे भी जा रही है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, और दूसरी ओमेगा क्या है, वी क्या है और ओमेगा क्या है। तो पहला कॉन्सेप्ट, अब जे लगा, अब क्वेश्चन में जे तो यूज करना ही है। अब क्योंकि ये मतलब ये बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है,
तो एक इक्वेशन ट्रांसलेशन पे और एक इक्वेशन रोटेशन पे। ट्रांसलेशन में सिर्फ इम्पल्स का कॉन्सेप्ट है, रोटेशन के ऊपर एंगुलर इम्पल्स का कॉन्सेप्ट है। इम्पल्स तो यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि आंसर जे की फॉर्म में है। तो ट्रांसलेशन में इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। रॉड पहले रेस्ट पे थी, नया मोमेंटम कितना है, एम इन टू वी सेंटर ऑफ मास, एम वी इनिशियल तो जीरो था, इक्वेट कर लो आंसर, कुछ करना ही नहीं है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। और दूसरा रोटेशन, रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है, जे इंटू डी, जैसे पी इंटू डी, एफ इंटू डी, ऐसी जे इंटू डी, तो एंगुलर मोमेंटम जे इंटू डी, और एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, आई ओमेगा का चेंज, यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। पहले रॉड घूम नहीं रही थी तो ओमेगा क्या था, जीरो, अब रॉड घूम रही है आई ओमेगा, तो आई का फॉर्मूला रॉड का क्या है, एम एस स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा, सॉल्व करके ओमेगा आ गया आंसर। ये कॉन्सेप्ट एंगुलर इम्पल्स का।